आपके लॉन्ग हेयर्स भी छोटे लगेंगे, टीचर आपको पकड़ नहीं पाएंगे और भाई यार काफी अच्छा आपको लुक मिलेगा उस हेयर स्टाइल से। और भाई कोई भी छपरी हेयर स्टाइल नहीं है कि भाई भाई अच्छी नहीं लगेगी या फिर भाई टीचर बोलेंगे भाई ये हेयर स्टाइल तुम क्यों करके आए हो। तो मेरे भाई यार आज की वीडियो में यार अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है ना और भाई आपके टीचर आपके पीछे पड़ रखे भाई हेयर्स कटाओ हेयर्स कटाओ हेयर्स कटाओ, तो भाई कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हेयर्स को ऐसे सेट कर सकते हो कि भाई आपके टीचर को पता भी नहीं लगेगा और भाई आपके हेयर्स भाई फैंसी रहेंगे, अपने जैसे आप करना चाहो वैसे आपके घर पे हो जाएंगे और भाई स्कूल में आप यार अमेजिंग सी हेयर स्टाइल करके जा सकते हो। तो मेरे भाई अगर यार आपको यार स्कूल बॉय हो तो भाई वीडियो को मिस मत करना, वीडियो मस्त मिस करोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और भाई वीडियो आप मिस कर दोगे और टॉपिक मिस कर दोगे। तो मेरे भाई वीडियो को स्किप मत करना, स्किप मत करना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो मिस कर दोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई आप यार देख सकते हो मेरे इधर के हेयर्स खड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने खड़े किए और भाई ये खराब भी नहीं होने वाले हैं। तो ये कैसे किया है, कई बंदों के भाई ये हेयर्स खड़े नहीं होते, ये ऐसे चिपक जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की वीडियो में मैंने सारा बताया कि भाई ये हेयर्स कैसे खड़े होते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ का आपको यूज करना पड़ता है। तो यार ये वीडियो आपको पूरी देखनी, वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो भाई आप यार वीडियो देख लेना पूरी और भाई मिस मत कर देना, मेरे भाई बार बार बोल रहा हूँ मिस मत कर देना, मिस कर दोगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भाई कमेंट्स में बोलोगे कि भाई मेरे साइड के नहीं होते, मेरे पीछे के नहीं होते। और भाई एक भाई का कमेंट आ रहा था भाई पीछे के हेयर्स खड़े नहीं होते, साइड के नहीं होते। तो भाई आज की वीडियो में मैं सारा क्लियर कर दिया हूँ आपके कैसे साइड के खड़े होंगे, कैसे आपके पीछे के खड़े होंगे, कैसे आपके ये साइड वाले हेयर्स चिपक जाएंगे। तो भाई सारा कुछ क्लियर कर दिया है, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। टाइम आपका भी जरूरी है, मेरा भी जरूरी है, तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि भाई मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, कोई भी मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है। और भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा बट स्किप नहीं करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ लाइव प्रूफ दिखाया है। तो मेरे भाई जल्दी से हेयर वॉश करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने हेयर स्टाइल बनाई है, कैसे आपके इधर के चिपक जाएंगे, इधर के खड़े हो जाएंगे, पीछे के खड़े हो जाएंगे। और भाई ये मेरे यार हेयर लाइन जो पीछे गई है, ये हेयर लाइन पीछे नहीं गई है, ये मैंने इधर के हेयर्स जो है ट्रिम नहीं करवाए है, ये कुछ टाइम के बाद जो बड़े हो जाएंगे तो भाई मैं इनको अपने हेयर्स के साथ सेट कर लूँगा। तो मेरे भाई मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई ये आप हेयर्स को इसको ट्रिम ना करवाएं। भाई अगर बेबी हेयर्स अलग होते हैं और भाई ये हेयर्स जो है ये हमारे ट्रिम करवाने से बढ़ते हैं तो भाई ये अलग होते हैं, तो भाई ये आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है, अगर करवाओगे तो भाई आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइस जल्दी से हेयर वॉश करके आता हूँ और आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है, लेट्स गो गाइस। तो गाइस यार अभी मैं अपने हेयर वॉश करके आ चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने बड़े बड़े हैं और भाई मैं इनको ऐसे सेट करने वाला हूँ कि भाई कभी भी भाई आपके स्कूल के भाई टीचर वगैरह को पता भी नहीं चलेगा कि आपके हेयर्स इतने बड़े हो सकते हैं। तो भाई यार थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई होगी क्योंकि भाई अभी यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने भाई के लिए। तो गाइस यार आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, देख सकते हो मेरी आँखें लाल हो रखी है क्योंकि भाई मैं थोड़ा तबीयत खराब है मेरी, तो भाई आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई एक वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो गाइस यार जल्दी से अपने हेयर्स में भाई थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और फिर अपने हेयर्स को सेट करते हैं, जल्दी से ऑयल लगाते हैं, लेट्स गो। यार हमेशा की तरह मैं यूज करने वाला हूँ अपना कोकोनट ऑयल, भाई एक से दो बूंद आपको लेनी है, जैसे मैं ले रहा हूँ आपके सामने ले रहा हूँ, तो भाई मैंने तीन चार बूंद ले लिए, ये भी मेरे को हेयर को शाइनी दिखाने के लिए लेनी है। और भाई वरना भाई आप मत भी लेना अगर आपके हेयर्स भाई ज़्यादा ही ब्लैक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मैंने लिया है आप देख सकते हो। तो मेरे भाई इसको आपको अच्छे से अपने हेयर्स में भाई रफ करना है और भाई अच्छे से आपके हेयर्स में ऑयल लगाना है जिससे भाई आपके हेयर शाइनी दिखे और भाई ड्राई ड्राई ना दिखे। तो भाई ड्राई करने के बाद भाई आपके हेयर्स ड्राई दिखते हैं, मेरे को पता है भाई, मेरे भी दिखते हैं, इसलिए भाई मैं ऑयल का यूज़ करता हूँ। तो भाई आप भी ऑयल का यूज़ कर लेना। तो भाई यार जल्दी से ऑयल मैंने लगा लिया है, तो भाई अब हम लगाते हैं अपनी हेयर ड्रायर लगाते हैं और भाई आपको सेट करके बताता हूँ आपको किस तरह से सेट करना है, आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँ, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो भाई आप मिस कर दोगे और मिस कर दोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई जल्दी से यार अपनी ड्रायर लगाते हैं और आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। भाई यार ये मेरी ड्रायर है और ये मेरे पास है कॉम, तो भाई ये राउंड ब्रश का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप यूज़ करना चाहो तो कर लेना वरना भाई सादा कॉम का आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई आप जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेयर ड्रायर को। तो मेरे भाई मेरे पास एक कमेंट आया था एक भाई का कि भाई हमारे साइड के हेयर्स और पीछे के हेयर्स खड़े नहीं होते, उसके लिए क्या करें। तो मेरे भाई आपको साइड के हेयर्स को यार ऐसे नहीं खड़े होंगे, साइड के हेयर्स को आपको ऐसे रोल करके और उसमें ड्रायर मारना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको करके बता देता हूँ एक बार शीशे में देख के। तो भाई ऐसे आपको रोल करना और ऐसे आपको ड्रायर मारनी है, उसको राउंड करके ऐसे उलझा के ले जाना है बालों को, भाई ऐसे सीधे कर लेना है। तो मेरे भाई ऐसे आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो मेरे भाई उस भाई के लिए यार अलग से वीडियो नहीं बना पाया, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो भाई ऐसे आपके साइड के हो जाएंगे और ऐसे आपके पीछे के हो जाएंगे, आपको राउंड करके ऐसे ले जाना है और ऐसे ड्रायर चलानी है। तो मैं आप देख सकते हो मेरे पीछे के हेयर्स अच्छे से खड़े हो चुके हैं और भाई ड्रायर के बाद में मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई देगी, बट यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने भाई के लिए। तो गाइस यार आपको पहले ना इधर से अपने हेयर्स को खड़े कर लेना है जिससे भाई आपके हेयर्स में वॉल्यूम दिखे, और इधर की साइड के बाद में सेट करना आपको इधर की साइड के खड़े करके। तो इधर की साइड के आपको सब खड़े कैसे करना है, जैसे मैं राउंड राउंड करके ऐसे ड्रायर चला रहा हूँ वैसे आपको ड्रायर चलानी है और भाई आपके अच्छे से खड़े हो जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आप देख सकते हो इधर के हेयर्स मेरे अच्छे से खड़े हो चुके हैं और इनको आपको बाद में सेट करना है। अब आपको सेट करना है इधर के हेयर्स को, आपको सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, फॉलो करना है। तो भाई यार इधर के हेयर्स को आपको सेट करने के लिए आपको करना है क्या, आपके जो हेयर्स है उसको भाई आपके ड्रायर की मदद से पीछे चिपका लेना है जैसे मैं चिपका रहा हूँ, इधर के हेयर्स को इधर चिपका ले रहा हूँ जिससे भाई मेरे हेयर्स लॉन्ग नहीं लगेंगे और भाई बहुत अच्छे से हमारी हेयर स्टाइल सेट हो जाएगी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो मेरे भाई पीछे के हेयर्स को सेट करने के बाद, इधर के हेयर्स को सेट करने के बाद पीछे के हेयर्स आपके खड़े रहेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको अपने हेयर्स में दिखेगा जैसे मैंने बताया है कि भाई रोल करके आपको ड्रायर करना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे आपको रोल करके ड्रायर करना है, आपके हेयर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा और भाई आपको यार थोड़े से ये हेयर्स दिख रहे होंगे जो कि भाई पहले वाली वीडियो में भाई लोग बोल रहे थे कि भाई आपकी हेयर लाइन पीछे चलेगी। भाई ये हेयर लाइन पीछे नहीं गई है, इस बार मैंने जब हेयर कट करवाया तो अपना भाई मैंने इसको ट्रिम नहीं करवाया इन हेयर्स को, ये मेरे हेयर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे और इनको अपने हेयर्स के साथ सेट कर लेंगे वरना मेरी हेयर लाइन पीछे चली जाएगी अगर मैं इनको ट्रिम करता रहूँगा। तो भाई आपको भी ये गलती नहीं करनी, अगर आपकी हेयर लाइन ज़्यादा पीछे जा रही है तो भाई आपको ये हेयर्स को ट्रिम नहीं करवाना है, इनको बढ़ाओ आराम से इनको अपने हेयर्स के साथ सेट करो, बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो भाई जल्दी से अपने हेयर्स को सेट करते हैं इधर की साइड के। तो भाई यार अभी मेरे हो चुका है, आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है। तो भाई अब मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, तो भाई एक बार मैं वीडियो एक बार देख लेता हूँ अपनी, क्योंकि भाई ये वीडियो ना भाई 8 मिनट के होने के बाद भाई अपने आप बंद हो जाती है, तो भाई आप हो ना गई होगी तो भाई एक बार देख लेता हूँ। तो गाइस यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो अपनी वीडियो जो है 6 मिनट की हुई है तो भाई अभी 1.5-2 मिनट और है, तो भाई अपनों मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो भाई बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रखी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लिए एक लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना अच्छी लगे तो। तो भाई आपको ऐसे सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी हेयर स्टाइल आपकी लगने वाली है। तो भाई आप देख सकते हो ये फाइनल लुक आपको मिलने वाला है। अगर भाई आप चाहो कि भाई आपको कुछ ज़्यादा ही टाइम तक होल्ड चाहिए तो भाई आप कोई भी वैक्स वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हो, आपको काफ़ी लंबे टाइम का होल्ड मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस यार अब आप देख सकते हो कि भाई मेरे हेयर्स में कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है और भाई आप देख सकते हो कि भाई मेरे हेयर्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर के हेयर्स मेरे खड़े हैं और भाई इधर के हेयर्स मैंने सेट कर दिए। अगर भाई आप चाहते हो कि इसमें अच्छा खासा होल्ड चाहिए कि भाई ये हेयर्स आपके ऐसे ही रहे और भाई अलग ना हो कि भाई नीचे ना हो या फिर होल्ड अच्छा खासा बना रहे, तो उसके लिए भाई आपको वैक्स यूज करना पड़ेगा। भाई मैं अभी मेरे वीडियो में वैक्स नहीं लगा के दिखाऊंगा क्योंकि भाई कई बंदे बोल देते हैं भाई आपने तो वैक्स से किया है, तो भाई मैं वैक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मेरे हेयर्स में बिना वैक्स के भाई
अच्छा खासा होल्ड आ चुका है। तो मेरे भाई आप भी ऐसे अच्छा खासा होल्ड अचीव कर सकते हो अपने हेयर्स में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो कर देना, क्योंकि भाई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है या फिर कुछ किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ बट आपके टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास और भी टॉपिक होते हैं जो जिनको भाई मैं अपना लेके चलता हूँ, तो भाई मैं उन पर पहले वीडियो बना लेता हूँ। तो भाई एडिटिंग वेडिटिंग मेरे को सारा कुछ खुद करना पड़ता है, तो भाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आपके टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ या फिर वैसे ही आंसर कर देता हूँ। तो मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लेट्स गो गाइस।